सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल हमने अपना वैद्युत धारा वाला पार्ट पूरा खत्म कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमने पूरी खत्म कर ली थी, और आज हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इंटू 5 इक्वल पार्ट, यानी कि एक तार है जिसका प्रतिरोध आर ओम है और उसको 5 हिस्सों में आपने काट दिया, बराबर हिस्सों में, ठीक है। दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और इनको हमने कैसे जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, पहले हमने इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा, एंड देन फाइनली हमने इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, यानी कि पैरेलल में जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आया, आर डैश आया, देन हमसे आर अपॉन आर डैश का रेशियो पूछा है। तो बोला क्या है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास यहां पर कहा कि एक तार है जिसका प्रतिरोध आर ओम है, ठीक, आर ओम है, और आर ओम का जो प्रतिरोध है इसको 5 हिस्सों में काट दिया, बराबर 5 हिस्सों में काटा, यानी कि अगर मैं इसको 5 हिस्सों में काटूं तो 1, 2, 3, 4 और 5, मैंने 5 बराबर हिस्सों में काटा। क्वेश्चन को समझना, ठीक है, अगर मैं बराबर हिस्सों में काटूंगा तो आर बाय 5 इसका हो जाएगा, आर बटा पांच इसका हो जाएगा, सर ये आर बटा 5 क्यों लिखा आपने, मान लो ये 10 है और इसको 5 बराबर हिस्सों में काटूं तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले को 10/5 यानी कि 2, दूसरा भी 10/5 यानी कि 2, तो 2 2 2 2 ओम में बनाऊंगा, इसलिए मैंने इसको R/5 में काटा। मान लेते हैं ये पहला प्रतिरोध R1 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं, R3 इसका नाम ले लेते हैं, R4 इसका नाम ले लेते हैं, R5 इसका नाम ले लेते हैं। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इन्हें इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया, सो लेट, तो पैरेलल में कनेक्ट किया तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, समांतर क्रम में लगाया तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। ये कितना है R/5, ये भी 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 कितना है R/5। क्या नाम दिया था इसका, दिस इज R1, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। अब इन सबका नेट जो आया वो हमें दे रखा है, यानी कि इनका कुल प्रतिरोध हमें दे रखा है, सो अकॉर्डिंग टू द कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि अगर हम प्रतिरोधकों के सूत्र को देखें, समांतर क्रम के सूत्र के अनुसार, तो हमें पता है 1/R' जो होगा वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। 1/R' ऐसे रखना है, 1/R/5 प्लस R/5 हो जाएगा, नहीं 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 5 बार जोड़ दिया भाई, सीधी सीधी बात है, 5 चला जाएगा ऊपर तो 5/R इधर भी आ जाएगा, 5/R, 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 इन सब का LCM आएगा, एक ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 बार 5 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 25/R। सिंपल, 25/R हमारा इसका आंसर आ गया। रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्योंकि 1/R' का मान है 25/R, तो R' का मान हो जाएगा R/25, ये हमें मिल गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा था R/R' कितना होगा,
आप देखिए आर बराबर आर डैश बराबर आर बटा 25, तो इस 25 को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा 25 आर डैश बराबर आर, और आर डैश अगर मैं इसके नीचे भेज दूं तो आर बटा आर डैश बन जाएगा, जिसका मान है 25। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा था आर बटा आर डैश क्या है। तो आर बटा आर डैश देखिए क्या निकला, तो आर बटा आर डैश हमें मिला है, आर बटा आर डैश मिला है 25, यानी कि आर अपॉन आर डैश का मान कितना आया। सिंपल तरीका है हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने। चल जल्दी से इसे सॉल्व कर ले फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमने सारे के सारे प्रतिरोध कैसे लगा दिए समांतर क्रम में, एंड उसके बाद हम फिर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो प्रतिरोधकों के समांतर क्रम के सूत्र के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल, वन अपॉन आर डैश इजिकल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर फोर प्लस वन अपॉन आर फाइव हो जाएगा। हर किसी का मान आर बटा पांच आर बटा पांच आर बटा पांच दे रखा है, ये पांच चला जाएगा ऊपर ऐसे घूम के क्योंकि ये वन अपॉन में है, तो ये बन जाएगा 5/r 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 5/r, इस तरीके से बन जाएगा। एंड देन जब हम यहाँ पे आर डैश का मान निकालेंगे तो आर एलसीएम आएगा, पांच 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 25/r बन जाएगा। ठीक है चलिए नोट करेंगे फटाफट से। देन हमने यहाँ से आर डैश का मान निकाल लिया, तो आर डैश की वैल्यू आ गई आर बटा 25, बस हमें फिर आर अपॉन आर डैश पूछा था तो ये आर यही रह गया, 25 ऊपर चला गया। एंड हमने इसका रेशियो निकाल दिया, यानी कि हमने इसका अनुपात निकाल लिया आर बटा आर डैश का कितना 25। ठीक है क्या किया हमने फिर से देख लीजिए, आर डैश ऐसी था आर अपॉन 25 था है ना, तो ये 25 यहाँ गया तो ये बना 25 आर डैश बराबर आर, और आर के नीचे जब आर डैश चला जाएगा तो आर बाय आर डैश बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए, ये यहाँ नीचे चला गया ना यहाँ 25 रह जाएगा बस, ठीक है यहाँ 25 रह जाएगा, दैट्स इज सिंपल आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following term does not represent electric power? क्वेश्चन हमारा कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विद्युत शक्ति नहीं दर्शाता। अब देखिए जरा ध्यान से इसे देखें, विद्युत शक्ति नहीं दर्शाता, ठीक है तो शक्ति कौन सी चीज नहीं दर्शाएगी, सीधा फॉर्मूला देखो हमारे पास शक्ति का, तो इस क्वेश्चन को लिखना तो है ही, साथ साथ में बड़ी पहले ध्यान से बात समझना कौन सी चीज विद्युत शक्ति नहीं दर्शाती, यानी कि शक्ति की बात नहीं करती, यानी कि फॉर्मूला नहीं है शक्ति का। तो शक्ति के हमने कितने सारे फॉर्मूले पढ़े थे याद करो, पी इजिकल टू वी आई था, पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर था, पी इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर था, ये तीनों फॉर्मूले शक्ति के थे, इसके अलावा अगर कुछ मिला तो वो हमारा आंसर नहीं है। तो वी आई है बिल्कुल ये दर्शाता है, आई स्क्वायर आर बिल्कुल ये भी दर्शाता है, आई आर स्क्वायर नहीं है फॉर्मूला ये नहीं दर्शाता, और वी स्क्वायर अपॉन आर ये भी है, यानी कि यही हमारा आंसर है, यही फॉर्मूला जो है क्या कह रहा है आई आर स्क्वायर हमारा सही आंसर है, क्योंकि इट डज नॉट रिप्रेजेंट, ये कोई फॉर्मूला नहीं है शक्ति का, शक्ति का ये भी सूत्र है ये भी सूत्र है ये भी सूत्र है। ठीक है चलिए तो जल्दी से इसे नोट कर लें। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, देन व्हेन इट इज ऑपरेटेड टू 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। अब एक बल्ब है वो 220 वोल्ट और 100 वॉट का है, ठीक है 220 वोल्ट और 100 वॉट का है, जब इसको ऑपरेट करेंगे 110 वोल्ट से तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा। चलिए जरा ध्यान से देखेंगे, पहले 220 वोल्ट और 100 वॉट का है, यानी कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट और पावर कितनी है 100 वॉट। अब इस बल्ब को क्या किया हमने यहां से उतारा और दूसरे प्लग में डाल दिया है ना, दूसरे प्लग में हमने इसको जैसे लगाया उस प्लग में वोल्टेज आ रहा था 110 वोल्ट। अब हमसे पूछा है कि अब नई पावर कितनी जनरेट करेगा, सबको लग रहा होगा कि सर कुछ भी नहीं करना 50 पावर कर दो इसका आधा हो गया, बट ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज ध्यान में रखेंगे कि बल्ब जब लगाया जाएगा ना तो बहुत सारे बच्चे हमारे ये सोचेंगे कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाए, फिर सबको लगेगा कि सर हम इस वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं और इससे भी। तो ध्यान रखिएगा जब बल्ब को निकाला गया होगा और बल्ब को कहीं लगाया गया होगा तो बल्ब वही था, जब बल्ब वही था तो बल्ब का प्रतिरोध वही होगा, तो हम आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर लेंगे, क्योंकि हमारा प्रतिरोध समान रहने वाला है, क्योंकि वो बल्ब निकाल के कहीं और अब हम लगा रहे हैं लेकिन बल्ब तो एक ही है, बल्ब तो नहीं बदला, ये बात ध्यान में देनी है। तो पी की जगह आएगा 100, वी की जगह है 220 इंटू 220 अपॉन में आ जाएगा।
आर का मान निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 220 गुना 220 बटे में 100, जो इसे काटेगा जैसे काटेगा यहाँ आएगा 22 गुना 22, जिसका मान होता है 484, 484, 22 का स्क्वायर 484। नाउ ये वाला बल्ब उठाया हमने यहां से, ठीक है, चाहे तो आप 22 × 22 ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाला बल्ब हमने उठाया और अब हमने यहाँ लगा दिया, यानी कि बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम ही रहेगा, ठीक है। नाउ फिर से फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर अपॉन आर, पी निकालनी है नई पावर, जब कितने वोल्ट पे लगा है, 110 वोल्ट पे ये लगा है, वी का स्क्वायर होगा 110 गुणा 110 बटा रेजिस्टेंस आ गया 484, ठीक है। 11 से काट लेते हैं, 11 कम 11 जीरो का जीरो, 11 चक 44 बचेगा 4, 11 11 फोर 44, फिर से काट लेते हैं 11 से, 11 कम 11 जीरो का जीरो, 11 फोर जा ये आ जाएगा हमारे पास 10 × 10 अपॉन पे 4, 2 से कैंसिल करें 200 × 2 5 10, 2 से कैंसिल करें 2 5 10, पावर आ जाएगी 25 वॉट। देखा मैंने कहा था ना, यहाँ पर पता क्या गलती करते हैं हम लोग, हम सोचते हैं ये 220 है इसका आधा हो गया 110, तो पावर भी 100 है इसका आधा कर दो 150, बट ऐसे नहीं होगा, इसलिए हमें ध्यान देना है, ठीक, छोटी छोटी बात है। चलिए जल्दी से भी नोट कर ले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25 वॉट एकदम करेक्ट। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ इक्वल डायमीटर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कंडक्टिंग वायर है यानी कि दो तारे हैं, दोनों के दोनों एक ही तार मतलब एक ही मटेरियल से बनी, अगर दोनों कॉपर तो दोनों कॉपर की बनी है, दोनों की लंबाई समान है, दोनों की व्यास बराबर है, हमें बोला पहले इन्हें सीरीज में लगाया फिर इन्हें पैरेलल लगाया और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा, ठीक है। चलिए तो द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो कंडक्टिंग वायर है, दो तार है, दोनों सेम मटेरियल की है, दोनों की इक्वल लेंथ है, दोनों इक्वल डायमीटर की है यानी कि इनका रेजिस्टेंस भी सेम है, यानी कि दो तार दोनों की दोनों तारों का प्रतिरोध भी सेम होगा क्योंकि दोनों सेम मटेरियल की है, ना एक की लंबाई ज्यादा ना एक की लंबाई कम, ना एक का एरिया ज्यादा ना एक का एरिया कम, तो दोनों जब एक ही मटेरियल की एक की लंबाई भी समान है, दोनों की व्यास भी बराबर है, डायमीटर यानी कि क्षेत्रफल भी बराबर, तो दोनों का प्रतिरोध भी समान होगा, पहले इन्हें सीरीज में लगाया फिर इन्हें पैरेलल में लगाया, पोटेंशियल सेम रखा यानी कि वोल्टेज सेम रखा और हमसे पूछा हीट कितनी प्रोड्यूस होगी किसमें, सीरीज में और पैरेलल में। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं आराम से कि भाई दो तार है, पहली तार को माना ए दूसरी तार को माना बी, पहली तार की लंबाई L थी दूसरी तार की लंबाई भी L थी, पहली तार का क्षेत्रफल A था तो दूसरी तार का क्षेत्रफल भी A था, पहली तार जिस मटेरियल की उसी तार दूसरी मटेरियल की, यानी कि पहली तार का रेजिस्टेंस अगर मैं इन सब चीजों को हटा के बोलूं कि पहली तार का प्रतिरोध R है तो दूसरी तार का प्रतिरोध भी R ही होगा, सारे फैक्टर सेम तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध भी समान। ठीक, अब पहले इन्हें सीरीज में जोड़ दिया तो R और R, तो हमने माना सीरीज में इनका नेट रेजिस्टेंस RS, पर R और R जब जुड़ेंगे तो 2R इनका प्रतिरोध बन जाएगा, वोल्टेज इनमें सेम है, वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज अगर सेम है तो हमारे पास देखिए अगर V यहाँ पर आ गया तो वोल्टेज कितना दे रखा है, V दे रखा है वोल्टेज, है ना, प्रतिरोध इनका नेट रेजिस्टेंस कितना माना हमने 2R, वोल्टेज कितना है यहाँ पर, वोल्टेज वोल्टेज है V, हीट निकालनी है, हीट का फॉर्मूला होता है वी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू टी। सर ये वाला सूत्र क्यों लगाएंगे, क्योंकि भाई हमारे पास V सेम है तो यहाँ पर हीट पहले में आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन r, r कितना है 2r और यहाँ पे t क्योंकि समय समान ही होगा। चलिए अब इन दोनों को हमने किस पे जोड़ दिया, दूसरी कंडीशन बोली जब इन्हें पैरेलल जोड़ा, कैसे जोड़ा, पैरेलल, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा, तो जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन इनका नेट रेजिस्टेंस हमने rp मान लिया, ठीक है, तो 1/rp बराबर आएगा 1/r + 1/r, यानी कि RP का मान आ जाएगा R/2, सिंपल। और अब यहां पर अगर हम हीट निकाले तो पोटेंशियल तो सेम है, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी
ये हीट बन जाएगी यानी कि ऊष्मा बन जाएगी, v का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, r की जगह आ जाएगा r बटा दो यहाँ पर t, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2v स्क्वायर अपॉन r इनटू t। ये सीरीज में आ गई, ये पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में आ गया। क्या करना है, सीरीज अपॉन पैरेलल का रेशियो ले लेना है, यानी कि हम करेंगे समीकरण एक को डिवाइड कर देंगे समीकरण दो से। तो हीट सीरीज में, हीट पैरेलल में, यानी ऊष्मा श्रेणी क्रम में और ऊष्मा जब समांतर क्रम में, उनका अनुपात निकालें। तो समांतर श्रेणी क्रम में कितना है, v स्क्वायर अपॉन 2r इनटू t, v स्क्वायर अपॉन 2r इनटू t। और अगर हम यहां पे देखें पैरेलल में, तो यह है 2v स्क्वायर अपॉन r इनटू t, यानी कि यहां आ जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन r इनटू t। तो हीट सीरीज में, हीट पैरेलल में बराबर हो जाएगी, ऊपर वाला एज इट इज v स्क्वायर t अपॉन 2r, नीचे वाला हो जाएगा r ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2v स्क्वायर t, t से t उड़ गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर, r से r, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 1 बटा 4। तो सीरीज में हीट अपॉन पैरेलल में जो हीट है वो 1 बटा 4, यानी कि सीरीज श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो अनुपात आएगा 1:4 है। सिंपल आपका आंसर आपके पास 1:4, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको किया जा सकता है, बस आपको तरीके पता होने चाहिए और फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो हमसे क्या पूछा था, आर आर दोनों सीरीज में जुड़े थे तो हमने नेट निकाल लिया, पैरेलल में जुड़े थे तो आर आर 2/r, बस कॉन्सेप्ट ये था कि दोनों की लंबाई सेम, दोनों का डायमीटर सेम, दोनों तार सेम, एक ही मटेरियल की है तो दोनों का प्रतिरोध भी सेम, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बस रेशियो निकालना था, अनुपात निकाल दिया, दोनों का रेशियो में हमने इसको डिवाइड किया और हमारा आंसर 1:4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा आ गया 1:4, ठीक है, 1:4 इसका आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो जो वोल्टमीटर होता है, यानी कि जो हमारा विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर होता है, वो कैसे लगता है, तो हमेशा पैरेलल लगता है, समांतर क्रम में लगता है ना। चलिए तो जल्दी से इसको भी नोट कर ले फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर वायर है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है, जिसका व्यास हमें दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी है इसकी 1.6 × 10⁻¹ ओम मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर और रजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 × 10⁻¹ मीटर। तो हम लिख लेते हैं इस चीज को कि हमें यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दे रखा है हमें 0.5 mm, हम यहां से इसका रेडियस निकाल सकते हैं 0.5/2, यानी कि हम क्या निकाल सकते हैं त्रिज्या, और वो हो जाएगी 0.5/2, मिलीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं तो -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद हमने आगे देखा, हमें क्या दे रखी है, रेजिस्टिविटी यानी कि हमें प्रतिरोधकता दे रखी है 1.6 × 10⁻¹, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 × 10⁻¹ ओम मीटर, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी हमें दे रखी है। नेक्स्ट उसने आगे क्या दिया है, नेक्स्ट उसने हमें इसके आगे बोला है कि अगर हमें क्या लंबाई चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए जिसका इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए, यानी कि लेंथ हमसे पूछी है जिससे हम इसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कितना कर दें, 10 ओम कर दें। बहुत ही काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास रेडियस आ गया तो आप एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, यानी कि अगर आपके पास त्रिज्या आ गई तो पाई आर स्क्वायर लगाएं और यहां से एरिया निकाल लें। तो निकाल लेते हैं एरिया, पाई गुणा आर, आर कितना है हमारे पास 0.5/2 × 10⁻³, ठीक है, का होल स्क्वायर। एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू 0.5/2 इंटू 0.5/2 × 10⁻⁶, पाई की जगह पाई रखें, पॉइंट हटाएं जीरो लगाएं, पॉइंट हटाएं जीरो लगाएं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5×5=25, जैसे काटने तो काट लो, देखो ना 5×5 = 20, 5×5 = 20, तो बन जाएगा पाई बाय 16 × 10⁻⁶, यानी कि हम इसको अगर पूरा ढंग से लिखें तो ये बन जाएगा 10⁻⁶ पाई / 16, ये इसका क्षेत्रफल आ गया,
ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। ना बस हमें कुछ नहीं करना है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल फॉर्मूला होता है, इसमें लगा देना है, सिंपल। तो रो कितना दे रखा है हमें 1.6, यानी कि प्रतिरोधकता दे रखी है 1.6 × 10⁻⁸। रो इज इक्वल टू आर हमें निकालना, आर हमें 10 बनाना है, 10। ए का मान अभी हमने निकाला कितना, 10⁻⁶ पाई बटा 16, तो 10⁻⁶ पाई बटा 16। और एल हमें पता लगानी है, बस एल को ऊपर भेज दो, ये बन जाएगा 10 × 10⁻⁶ पाई बटा 1.6 × 10⁻⁸ × 16। सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻⁶ से 10⁻⁸ गया तो माइनस का 2 बचा, पॉइंट हटाएंगे 0 चला जाएगा, तो एल का मान आ जाएगा 100 पाई बटा 16 × 10⁻²। ये माइनस 2 ऊपर चले जाएगा तो प्लस की पावर बन जाएगी, तो आ जाएगा एल बराबर 100 पाई बटा 16 × 16, और 10⁻², ऊपर जाके बन जाएगा 100। पाई का मान लगा लेते हैं, तो पाई का मान होता है 22/7 × 100, या आप 3.14 लगा लें, 3.14 × 100⁻⁶ × 16। इतना आसान हो गया, देखो अभी क्वेश्चन करना कुछ भी नहीं है, अब तो बस मल्टीप्लाई करनी है। तो पॉइंट हटाओ, फिर 2 जीरो लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एल का मान आ जाएगा 100 × 314 / 16 × 16, 2 50 8, 2 25 4, 2 से काटे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16। तो ये आ गया 25 × 157 / 4 × 8, तो लंबाई आ जाएगी हमारे पास 25 × 157 / 8 × 4। बस इसको मल्टीप्लाई करें, 157 × 25, 5 × 7 = 35, 3 × 25 + 3 = 8, 5 × 5, 7 × 2 = 14, कैरी 1, 5 × 2 = 10 + 1 = 11, कैरी 1, 2 × 2 = 3, 5 × 8 = 12, 5 × 6 = 7, और यहाँ 3। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 7 2 5, और इसको हम भाग देंगे 8 से 32। तो जब हम इस 3 7 2 5 को 32 से भाग दें, तो 32 × 32 बचा 5, 2 उतरेगा नीचे, 32 × 32, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, अब उतरेगा 1 5, तो 32 में अगर हम 6 टाइम करें तो 6 × 12 = 18 × 19, बिल्कुल हमारे पास एकदम सही है, 116 हो जाएगा यहाँ पे, 192, 5 में से 2 जाएगा 3, और 19 में से 1 गया ये, पॉइंट लगा के 0, तो 32 × 4 करेंगे तो 4 × 2 = 8 × 3 = 12, तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा ये 116.4 मीटर, ये इसकी लंबाई होनी चाहिए। सिंपल सा आंसर है, सिंपल तरीके से इसको करना है, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए फटाफट से। तो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, बस हमें पुट करना है वैल्यू को, बस इतना पता होना चाहिए एरिया कैसे निकलता है। तो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बस कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें आगे के न्यूमेरिकल करेंगे। तो ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।